नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे कि किसी भी आकृति में आयतों की संख्या कैसे ज्ञात करें। जब भी कभी एग्जाम हम देने जाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि आयतों की संख्या पूछ ली जाती है कि किसी भी आकृति में या निम्न आकृति में कितने आयत हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का ये टॉपिक। सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हम आने वाले नए नए वीडियोज आपके पास पहुंचाते रहें। तो देखिए, हमारे पास ये छोटी सी आकृति दी हुई है जो कि एग्जाम में लगभग इतनी छोटी आकृति नहीं आती, कोई बड़ी आकृति में से पूछता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसमें हम आसानी से बता सकते हैं कि इसमें कितने आयत है, लेकिन सूत्र की सहायता से हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इनको काउंट करेंगे, एक और दो, और कॉलम को काउंट कर लेंगे, एक और दो। अब करना क्या है, इसमें हम जितनी भी रो और कॉलम दी हुई उनका घन निकाल लेंगे। एक का घन प्लस दो का घन, एक का घन एक और दो का घन आठ बराबर नौ। टोटल इसके अंदर है नौ आयत। इसमें नौ आयत है, लेकिन इसके जो भी बड़ी आकृति आती है उसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दूसरी आकृति में देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम वही करेंगे, रो को काउंट करेंगे, एक दो और तीन। एक कॉलम को काउंट करेंगे, एक दो तीन। इसमें भी हम वही ट्रिक अपनाएंगे, एक प्लस एक का घन प्लस दो का घन प्लस तीन का घन। अब इनको जोड़ लेंगे, एक प्लस में आठ प्लस 27, टोटल हो गया 36। इसके अंदर टोटल है 36। अब हम एक दूसरी ट्रिक के माध्यम से शुरू करते हैं, उसे हम कैसे शुरू करेंगे। देखिए सबसे पहले जितनी भी रो और कॉलम दी हुई है उनके जो जितने भी काउंट नंबर उनको जोड़ लेंगे। जैसे कि ये है एक और दो तीन, और यहाँ भी एक और दो तीन, और उन दोनों की गुणा कर देंगे, तीन गुणा तीन, टोटल हो गए नौ। इसी प्रकार हम इसमें देखते हैं, एक और दो तीन और तीन छः, और टोटल इसमें भी हो गया छः, और इसका कर लेंगे छः गुणा छः 36। ये बिल्कुल आसान तरीका है। मान लो अगर इससे थोड़ी सी और बड़ी आती है तो हमें क्यूब निकालने की जरूरत नहीं है, हम किसी भी संख्या घन निकालने के बजाय उन नंबरों को जोड़ लेंगे और उनके आपस में गुणा कर देंगे। तो चलिए देखते हैं हम अगली आकृति। इसमें हम ऐसे ही करेंगे, सबसे पहले रो को काउंट करेंगे, एक दो तीन, और एक दो तीन चार। अब इसमें देखा जाए तो रो की संख्या सिर्फ तीन है और कॉलम की संख्या चार है। तो इसका एक तरीका है जो कि सूत्र इसका, वो हम ऐसे करेंगे, रो की संख्या और रो प्लस में एक बटे दो गुणा में कॉलम की संख्या प्लस कॉलम की संख्या और प्लस में एक बटे दो। इसे हम सोल्व करेंगे, रो की संख्या कितनी है हमारे यहाँ पर तीन, और कॉलम की संख्या चार, तो तीन तीन प्लस में एक बटे दो गुणा में कॉलम की संख्या चार और चार प्लस एक बटे दो। तीन और एक चार, चार तीये 12 बटे में दो गुणा चार और एक पाँच, पाँचों का 20 बटे 2। इसे हम ये काट कर देते हैं, 6 और 10, 6 गुणा में 10, 10 का 60। इसके अंदर टोटल है 60। अब हम अपने वाले तरीके से कैसे सोल्व करेंगे, इसका एक और तरीका है। इसमें कुछ से नहीं करना, सिर्फ वही काउंट करेंगे वैसे ही, एक और दो तीन और तीन छः, हम उनको जोड़ लेंगे, एक और दो तीन, तीन और तीन छः और चार 10, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे।
छः गुणा में 10, टोटल हो गया 60। तो ये तरीका हमारा बिल्कुल आसान है, सिर्फ इनको काउंट करना है और इनको काउंट करना और इनके आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 60। चाहे कितनी भी बड़ी कॉलम आ जाए या कितनी बड़ी रो आ जाए, उसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर मान लो इसको यहाँ तक बढ़ा देते हैं और इसको यहाँ बढ़ा दिया जाए और इसको भी यहाँ तक बढ़ा दिया जाए, तो अब देखिए इसके अंदर है 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 4 और 5, इसको टोटल जोड़ेंगे तो 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, और यहाँ से जोड़ेंगे कॉलम को 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15। अब इनको गुणा कर देंगे 10 गुणा में 15, आंसर आ गया 150 आयत। तो ये बिल्कुल आसान तरीका, सबसे आसान यही है, इनको काउंट करें और इनको भी काउंट करें और उनको आपस में गुणा कर दें। आगे देखिए, ये है पजल करने वाली आकृति। हम जब भी हमारे सामने कोई ऐसी आकृति आ जाए तो हम इसमें पजल हो सकते हैं कि जो आगे की ये आकृति दी हुई है, वैसे इस आकृति का कोई मायना नहीं है, लेकिन सिर्फ हमें यही देखना है। इसको हम वैसे ही सोल्व करेंगे, सबसे पहले रो को काउंट करेंगे 1 और 2, और इसको भी काउंट करेंगे 1 और 2। हम वही तरीका अपनाएंगे, 1 और 2 3 और 1 और 2 3 और 3 गुणा 3 9, इसमें कुल 9 आयत है। इसको चाहे जितना ही बड़ा करना चाहो कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ इसे आगे तक बढ़ा दिया जाए। अब देखिए इसके अंदर कितने हो जाएंगे कॉलम, 1, 2 और 3, और रो वही रहेगी 3 और 1 और 2 3 और 3 6, तो 3 गुणा 6, अब टोटल इसमें हो गई 18, अब टोटल इसमें हो गई 18 आयत। इस प्रकार हम देखते हैं अगली आकृति। इस आकृति में भी हम वही अपनी ट्रिक अपनाएंगे। सबसे पहले हम रो को काउंट करेंगे 1, 2, 3 और 4, अब कॉलम को काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4 और 5, इसमें भी वही करना है, 1 और 2 3, 3 दूनी 6 और 4 10, टोटल है 10। अब इसको जोड़ेंगे 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, और 10 गुणा में 15, टोटल हो गया इसके अंदर 150 आयत, 150 आयत। तो इसको हम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, ये सबसे आसान तरीका है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ रो को काउंट करना है और कॉलम को काउंट करना है और इसमें कुछ नहीं करना है। तो यही थी दोस्तों आज की हमारी आयत की गणना करने की ट्रिक, जिसे हमने अभी अभी सॉल्व किया। तो आपको हमारी ये ट्रिक्स कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूले, ताकि और भी स्टूडेंट्स के पास ये ट्रिक पहुंच सके, ताकि उनको कोई भी ऐसे सवाल सॉल्व करने में मुश्किल ना हो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।